हेलो स्टूडेंट, आपका चल रहा है इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें आज का पोर्शन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पोर्शन था आपका रेजिस्टेंस का, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट आज का आता है कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन प्रतिरोध। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध क्या होगा आपका, कि जनरली जो रेजिस्टेंस होते हैं, क्या होते हैं, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध होते हैं, वो कार्बन के बने होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने जैसे देखा होगा कि टैप रिकॉर्डर हुआ, ठीक है, या आपके कोई भी टीवी हुआ, ठीक है, रेडियो हुआ, या सेमीकंडक्टर डिवाइस जो भी होती हैं, ठीक है, तो सेमीकंडक्टर डिवाइस के द्वारा कोई भी इक्विपमेंट बनाया जाए तो उसमें जनरली कार्बन रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है, कार्बन प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक तो ये आपके प्रैक्टिकल में एक्टिविटी भी है, कि जो आपके कहने का मतलब कि जो आपका पहचानने वाले होते हैं, क्यों, जैसे मान लीजिए आप कहता है कि डायोड है, ट्रांजिस्टर है, कार्बन रेजिस्टेंस है, इनको आपकी पहचान करना, ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल में एक्टिविटी भी है। कैसे पहचान करेंगे, तो कार्बन प्रतिरोध के द्वारा जो यानी कार्बन रेजिस्टेंस होता है वो सामान्यतः जनरली कार्बन का बना होता है। किसके द्वारा, किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है, और ये एक बेलनाकार सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है, बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है। तो इसमें मुख्यतः तीन या चार पट्टियां होती हैं, तीन या चार लेयर होती हैं, चौथी लेयर मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, ठीक है, या मिलेगी तो कोई भी कलर ना मिले, ये हो सकता है, ठीक है। तो इसमें देखिए मुख्यतः चार लेयर होती हैं, और वो चार लेयर किसको दर्शाती हैं, और उसके थ्रू अपन क्या करते हैं, कैसे उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, देखिए समझे। ये आपका मान लीजिए कार्बन प्रतिरोध, कार्बन रेजिस्टेंस है, ये आपका कार्बन रेजिस्टेंस, ठीक है, ये क्या होगा, सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार। अब इसमें चार पट्टियां होती है, ये एक दो तीन चार, ये कितनी पट्टियां होती हैं, चार, ठीक है, ये चार पट्टियां हैं आपकी, एक दो, ये चार लेयर हो गई आपकी, ये चार लेयर, क्लियर है। ये इस प्रकार आपको यानी एक सिलेंड्रिकल पोर्शन में चार लेयर दिखेंगी, तो वो क्या है आपका, कार्बन रेजिस्टेंस, क्या है, कार्बन रेजिस्टेंस। जो ये पहली लेयर होती है, क्या लेती है, पहली लेयर होती है, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर को बताती है, लेकिन इसका मतलब बताऊंगा मैं, फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर यानी प्रथम सार्थक अंक, प्रथम सार्थक अंक, ठीक है। ये सेकंड पट्टी का है, ये सेकंड सिग्निफिकेंट, सेकंड सिग्निफिकेंट नंबर यानी द्वितीय सार्थक अंक, द्वितीय सार्थक अंक हो गया। और ये जो थर्ड लेयर है आपकी, ये थर्ड लेयर आपकी मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर यानी गुणक को शो करती है, किसको, गुणक को। और ये चौथी लेयर है, ये टॉलरेंस, टॉलरेंस बोले या परसेंटेज एरर बोले, या क्या कह सकते हैं इसे, सहायता, ये बोल सकते हैं। ये चार लेयर है, ये पहली लेयर फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर यानी प्रथम सार्थक अंक को व्यक्त करेगी, सेकंड लेयर होगी वो सेकंड सिग्निफिकेंट नंबर यानी द्वितीय सार्थक अंक को शो करेगी, और ये थर्ड जो लेयर होगी, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड, ये थर्ड लेयर और ये फोर्थ लेयर, ठीक है, ये आपके गुणक को शो करेगी, ये टॉलरेंस को। अब समझे, इसमें कलर कोडिंग होती है, क्या होती है, कलर कोडिंग। तो कलर होंगे, उसकी ट्रिक क्या है आपकी, बी बी रोय, बी बी आर ओ वाई, जी बी वी जी डब्ल्यू और गोल्ड सिल्वर निकलेस यानी नो कलर, समझे। ट्रिक क्या है, बी बी रोय ग्रेट ब्रिटेन इज वेरी गुड वाइफ,
हैविंग गोल्ड सिल्वर निकलेंस, ठीक है, हैविंग वियरिंग माल लगा लीजिए अगर ट्रिक के लिए लगाना है, हैविंग वियरिंग हैविंग लिख लीजिए या वियरिंग ऐसे लिख लीजिए, वियरिंग सब ठीक, ठीक है ये वैसे ही लगा दिया। बीबी रोय ग्रेट ब्रिटेन इज वेरी गुड बाइक, ठीक है ये तो मेन ट्रिक है। इसके बाद वेयरिंग गोल्ड सिल्वर निकलेस, ये टॉलरेंस को बताते हैं, परसेंटेज एरर यानी प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। तो देखिए बी 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 का मतलब होता है ब्लैक, बी का मतलब होता है ब्राउन, ठीक है, आर का मतलब होता है रेड, ओ का मतलब होता है ऑरेंज, वाई का मतलब होता है येलो, जी का मतलब ग्रीन, बी का मतलब क्या होता है आपका ब्लू, क्या होता है ब्लू, वी का मतलब वोइलेट, जी का मतलब ग्रे और डब्ल्यू का मतलब वाइट, ठीक है। बीबी रोय ग्रेट ब्रिटेन इज वेरी गुड वाइफ, बीबी रोय ग्रेट ब्रिटेन इज वेरी गुड वाइफ, क्लियर है ये, गोल्ड सिल्वर वेयरिंग गोल्ड सिल्वर निकलेस नो कलर। तो समझे बीबी रोय ग्रेट ब्रिटेन इज वेरी गुड वाइफ, क्लियर है, गोल्ड सिल्वर निकलेस नो कलर, ठीक है, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वॉयलेट ग्रे और क्या हो जाएगा आपका ये वाइट, ग्रे की स्पेलिंग वाइट, ठीक है। अब देखिए कॉर्ड कैसे ध्यान रखने हैं, ऐसे ही ध्यान रखनी है, तो बेबी रोय ग्रेट ब्रिटेन इज वेरी गुड वाइट, बेबी रोय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइट, ठीक है, जीरो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, क्लियर है। गुणक में क्या ध्यान रखना है, गुणक होगा 10 की पावर में होगा 10 की पावर में होगा, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 4 है तो 4, 5 है ऐसे मतलब 9 तक हो जाएगा। अब रही बात टॉलरेंस की, सहायता की बात, जो चौथी लेयर होती है आपकी, ठीक है, फोर्थ लेयर होती है, तो ध्यान रखना गोल्ड आए तो टॉलरेंस प्लस माइनस 5% आए, सुनहरा कलर आए तो क्या करना है प्लस माइनस 5%, चांदी जैसा आए तो प्लस माइनस 10%, सिल्वर आए निकलेस या नो कलर कुछ भी कलर नहीं दिया हुआ है तो कितना करना है प्लस माइनस 20%, 5% 10%, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस माइनस 20%, प्रतिशत त्रुटि प्लस माइनस त्रुटि प्लस माइनस में होगी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये अकॉर्डिंग है बीबी रोय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्लियर, वेयरिंग गोल्ड सिल्वर निकलेस, ये आपके टॉलरेंस को बताएंगे, ये किसको बताएंगे, ये टॉलरेंस को बताते हैं, ये टॉलरेंस को है, गोल्ड आए तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस 5%, सिल्वर आए तो प्लस माइनस 10%, और यहाँ से निकलेस आए तो प्लस माइनस 20%, हो गया। तो ट्रिक ध्यान रखें आप, ट्रिक से बी बी रोय ग्रेट ब्रिटेन इज वेरी गुड वाइफ, बी का मतलब ब्लैक, बी का मतलब ब्राउन, रेड आर का मतलब रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, जी का मतलब ग्रीन, बी का मतलब ब्लू, वी का मतलब वॉयलेट, जी का मतलब ग्रे और डब्ल्यू का मतलब वाइट, 0, 1, 2, 3, 4, 9 तक जाएगा, ठीक है। अगर मल्टीप्लायर की बात करें, गुणक की बात करें, 10 की पावर 0, 1, 2, 3 ये 10 की पावर में होंगे। तो देखिए और ये परसेंटेज एरर की बात करें, लास्ट जो चौथी पट्टी का होती है, अगर गोल्ड आए तो प्लस माइनस 5% करना, सिल्वर आए तो प्लस माइनस 10% करना, निकलेस आए तो प्लस माइनस 20% करना, या नो कलर आए कोई भी कलर नहीं दिया हुआ है। तो देखिए जो पहली लेयर है आपकी, फर्स्ट लेयर है, वो किसको डिनोट करेगी, पहले सार्थक अंक को, इन कॉर्डों में से जो आए उस जैसा कलर आए। दूसरी लेयर भी किसको, दूसरा सार्थक अंक इसी में से लेना है। तीसरे पट्टिका के लिए गुणक लेना है, क्या लेना है गुणक, और चौथी पट्टिका के लिए परसेंटेज एरर लेना है, प्रतिशत त्रुटि लेनी है। तो देखिए समझे, यह आया आपका आ गया। अगर मैं बात करता हूं जैसे जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूं, एग्जाम्पल मैं यहां बता रहा हूं, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, यह आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें चार लेयर है, कितनी लेयर है आपकी चार, ये चार लेयर हो गई। फर्स्ट लेयर दे रखा है आपको रेड यानी लाल, रेड और नेक्स्ट है आपका हरा, और ये हरा का मतलब ग्रीन लिख ले ग्रीन, और ये है आपका सिल्वर चांदी जैसा, चांदी जैसा, ठीक है। देखिए लाल लाल हरा रेड रेड ग्रीन और ये क्या है सिल्वर, और कहता है कि इसका जो कार्बन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान से देखें, पहली जो लेयर है वो क्या है रेड,
रेड का अंक कितना होता है? दो। तो पहली लेयर सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट नंबर कितना है इसका? दो। कोड कितना है? दो। दूसरी लेयर भी क्या है? रेड, तो इसका भी कितना होगा? दो। तो पहली में तो कोड देखना है गुणा, तीसरी लेयर होगी वो 10 का गुणक बताएगी, मल्टीप्लायर बताएगी, तो क्या है? ग्रीन। ग्रीन का कितना है? 10 की पावर 5। मल्टीप्लायर लेना है तीसरी लेयर में, गुणक लेना है, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? 5। फिर क्या होगा? प्लस माइनस क्या होगा? सिल्वर के लिए कितना है आपका? +-10%, +-10%। तो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। तो ये कार्बन प्रतिरोध की क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि कोई भी कार्बन प्रतिरोध है, जैसे मान लीजिए मैं मान लो ये 4 लेयर हो गई आपकी, ये है आपका ब्लू, क्या है? ब्लू। ये है आपका येलो, ठीक है, और ये है आपका रेड, और ये है आपका सिल्वर। मान लीजिए क्या है? सिल्वर। तो देखिए, यानी नीला, पीला, लाल और चांदी जैसा, ठीक है। तो इनका आपको क्या निकालना है? कार्बन रेजिस्टेंस निकालना है। तो कैसे करेंगे अपन? देखिए यहाँ से ब्लू का कितना हो जाएगा आपका? 6। कितना हो जाएगा? 6। तो 6 लिख दिया, पहला सार्थक अंक, फर्स्ट कोड लिख दिया। येलो, येलो का कितना हो जाएगा? 4। येलो कितना हो जाएगा? 4 गुणा, तीसरी जो लेयर होगी वो मल्टीप्लायर गुणक को बताएगी। रेड है, रेड का मल्टीप्लायर कितना है? 10^2, 10^2। प्लस माइनस परसेंटेज त्रुटि लिखनी है। सिल्वर के लिए कितनी होगी? +-10%। तो ये किसका मान हो जाएगा? कार्बन प्रतिरोध का मान हो जाएगा। ये हो गया, आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 अभी जो एग्जाम्पल में आया था उसको मैं समझा देता हूँ। देखिए अभी यहाँ से ये पूछा गया था 2019 में, ये कह रहा था आपका, ये लेयर है आपकी, ये लेयर, ठीक है, ये लाल, नहीं ये लाल थी उसमें यानी रेड, ठीक है, इसमें इसमें कुछ नहीं दिया था क्वेश्चन वाचक, और यहाँ दिया था आपका वो कुछ भी कलर था, क्या था इसको मान ली, दूसर रंग था, दूसर यानी इंग्लिश में कहें ग्रे, ठीक है, और ये था सुनहरा यानी गोल्ड कलर। और आपसे कह रहा था कि इस कार्बन रेजिस्टेंस का मान दिया हुआ था आपको, वो था 22 × 10^7 +-5%, ये था इसका मान, ठीक है। और आपसे कह रहा था कि जो सेकंड पट्टी का है, ये देखो वैसे क्वेश्चन इजी था कि जो सेकंड होगी तो उसका कितना है? दो। कितना है? दो। तो दो किसका होता है? लाल का, रेड का। तो देखिए रेड का होगा आपका ये, तो जो ये पट्टी का होगी ये क्या होगी आपकी? रेड होगी। क्या होगी? रेड होगी। वैसे आप देखो डायरेक्ट ये भी नहीं दिया होता, ये दिया हुआ है, और ये देखो यहाँ से दो किसका है? लाल का है, तो ये भी किसका होगा? रेड का ही होगा। वैसे डायरेक्ट भी हो जाता था ये क्वेश्चन, डायरेक्ट भी पता, जो टेबल थी उसको देखने की आवश्यकता नहीं थी। नेक्स्ट समझिए आप, और क्वेश्चन देखें ऐसे दे दे, क्वेश्चन ये हो आपको, जैसे ये क्वेश्चन है आपका 1, 2, 3 और ये 4 लेयर दी। पहली लेयर दी है आपका नीला यानी ब्लू, क्या है आपका? ब्लू। और सेकंड लेयर है आपका रेड, ठीक है, और ये है आपका ऑरेंज, और ये है आपका सुनहरा या नो कलर, कोई भी कलर नहीं है, नो कलर, कुछ भी नहीं दिया हो, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया हो तो क्या मानना है? नो कलर मानना है। तो देखिए ब्लू का कितना है आपका यहाँ से? 6। कितना है? 6। रेड का कितना है आपका? 2। ये तो हो गया आपके कोड। तीसरा बताता है गुणक को, ऑरेंज, ऑरेंज का कोड कितना है? 10 की पावर, गुणक कितना है? 10^3 +-, नो कलर है, क्या है? नो कलर, कोई कलर नहीं है, तो कितना लेना है? +-20%। तो ये आपका क्या हुआ? कार्बन प्रतिरोध। क्या हुआ? कार्बन प्रतिरोध हुआ, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है
ट्रिक ध्यान रखनी है तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे। तो देखिए ट्रिक क्या है आपकी, फिर से सुन लीजिए। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन इज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नो कलर, वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नो कलर। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन इज वेरी गुड वाइफ, ठीक है, वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नो कलर। सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ क्या लगा सकते हैं, इज भी लगा सकते हैं। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन इज वेरी गुड वाइफ, बी का मतलब क्या है ब्लैक, बी का मतलब क्या है ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, ठीक है। तो यहाँ से बी बी आर ओ वाई जी बी वी जी डब्ल्यू, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट। कोड कैसे लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 9 तक, ठीक है। गुणक मल्टीप्लायर कैसे लिखेंगे, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, यानी 10 की पावर में गुणक के रूप में। परसेंटेज एरर होगी वो गोल्ड की कितनी होगी, ±5%, सिल्वर की कितनी होगी, ±10%, ठीक है, निकलेस की कितनी होगी, ±20%। क्लियर है ये, नेक्स्ट समझें आप। पहली जो प्लेयर होती है, जो फर्स्ट लेयर है वो पहले कोड को बताती है, सेकंड लेयर दूसरे कोड को बताती है, तीसरी जो लेयर है वो मल्टीप्लायर यानी गुणक को बताती है, चौथी लेयर क्या होता है टॉलरेंस यानी परसेंटेज एरर यानी सहायता। तो देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका ये था रेड रेड, तो इसके लिए कितना हो जाएगा 2, रेड के लिए कितना 2 और दूसरा भी कितना हो जाएगा 2। तीसरी लेयर है वो क्या हो जाएगी आपकी मल्टीप्लायर को बताएगी 10 की पावर 5, प्लस माइनस चांदी जैसा है तो कितना हो जाएगा ±10%। आ गया समझ में, इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या समझाता हूँ मैं आपको, नेक्स्ट है वो आपके एक छोटा सा टॉपिक है उसको भी समझ लीजिए, कि ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, वो है आपका कि जो आपके ओमीय इक्विपमेंट होते हैं, युक्तियाँ, ओमीय युक्तियाँ। फर्स्ट ओमीय युक्ति, ओमीय इक्विपमेंट, ओमीय युक्ति, और एक है आपका सेकेंड अनओमीय इक्विपमेंट, अनओमीय युक्ति, अनओ अनओमीय युक्ति। देखिए ओमीय इक्विपमेंट क्या होते हैं, जो ओम के नियम का फॉलो करते हैं, ओम्स लॉ का क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, यानी वी प्रोपोर्शनल आई। ग्राफ बनाए तो इस प्रकार ग्राफ होता है कोई, यानी ये वी और ये क्या हो जाएगा आपका आई, ठीक है। तो यानी इस पर क्या बात करें कि विभवांतर की दशमलव ध्रुवता बदल भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पोलरिटी चेंज कर दें, यानी इनके वी और आई के मध्य में क्या आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन आती है। जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके ओम्स क्या कहलाते हैं आपके ये जो ये हैं ये क्या कहलाते हैं ओम इक्विपमेंट, और जो ओम के नियम की पालना नहीं करते वो क्या कहलाते हैं आपके अन ओम अम ओम ये इक्विपमेंट। इन पर जैसे मान लीजिए ऐसे बात करें, इनका ग्राफ की बात करें, जैसे मान टॉर्च की बात करें, इस प्रकार ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं है आई और वी। या और बात करें अपन जैसे विद्युत अपघट्य की या डायोड की बात कर लें, डायोड के लिए कैसे होगा ये होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आई और ये क्या हो जाएगा वी। तो इनमें स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो यानी जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते वी प्रोपोर्शनल आई नहीं होता, वो क्या होती है अनओमीय इक्विपमेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, इसमें इसका ही एग्जांपल पूछा जाता है आपसे, डायोड है, क्या है डायोड है, टॉर्च है, और बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये है आपके इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल, ठीक है, ये इन पर क्या होगा वी प्रोपोर्शनल आई नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, और जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके ऑन ओमीय इक्विपमेंट यानी ओमीय युक्ति कहलाती है। तो इस वीडियो में आपका क्या हुआ है, एक तो कार्बन रेजिस्टेंस क्या हुआ है, कार्बन रेजिस्टेंस, दूसरा आपका डेफिनेशन है छोटी सी, वो डेफिनेशन क्या है आपका ओमीय इक्विपमेंट्स एंड अनओमीय इक्विपमेंट्स, ओम्स लॉ का जो फॉलो करते हैं वी प्रोपोर्शनल आई, जिनके मध्य क्या आती है स्ट्रेट लाइन आती है, वो क्या है आपकी ओमीय युक्ति यानी ओमीय इक्विपमेंट्स, अनओमीय इक्विपमेंट्स जिनके लिए स्ट्रेट लाइन नहीं होती, जैसे टॉर्च है,
ठीक है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये सब क्या है, मोसफेट है, ये सब क्या होते हैं, अनओमी इक्विपमेंट होते हैं। इनके मध्य जब आई और वी के मध्य ग्राफ प्लॉट करते हैं अपन तो स्ट्रेट लाइन नहीं आती, यानी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। इनकी जो पोलरिटी चेंज करने पर इलेक्ट्रिक करंट का मान बदल जाता है, ठीक है, या एब्जॉर्व हो जाती है, तो ये क्या होती है, अनओमी इक्विपमेंट्स होंगे। क्लियर है ये? तो कार्बन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल है ट्रिक, आपको ध्यान रखनी है, डे रेजिस्टेंस ट्रिक के द्वारा ही ये सॉल्व होगा कार्बन रेजिस्टेंस। हर बार यानी 2019 में भी सिंपल क्वेश्चन था और ये एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा आपका कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी उसका प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, जिसका पहला अपन दोनों एक ही वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि इस टाइम में इंग्लिश मीडियम की और हिंदी मीडियम की कंबाइंड बना रहा हूँ, क्योंकि नोट्स आपको प्रोवाइड कराए दिए गए हैं जिससे सिलेबस में थोड़ी जल्दी हो जाए। इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, कंबाइंड बना के आपको, ठीक है, और इसमें कल की जो वीडियो रहेगी, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी आपकी, उसमें मैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएंगी, ये तो क्या थ्योरी पोर्शन था आपका, इस वजह से एक टॉपिक यानी इंटरफेयर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट से अब आपका जैसे कार्बन रेजिस्टेंस से बिल्कुल सीरियलिटी में चलेगा, इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरियलिटी से चलेगा, न्यूमेरिकल सीरियलिटी से चलेंगे, इसके बाद आपका आएगा कि जो आपका सेल होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, वो सेल के डेरिवेशन, उसका सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वो आप करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपका सीरियलिटी वापस से हो जाएगी, तो आप इसको क्या करें, नोट्स प्रोवाइड कराएं, वहाँ से नोट्स तैयार करें और समझने का पोर्शन है जो यहाँ से कंप्लीट करें। नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधों का संयोजन। इस वीडियो में इतना ही सफिशियंट है, थैंक यू सो मच।